वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। सो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं मेजी के साथ। सो रिसेंटली मेजी लाइव स्ट्रीम जब कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक टॉपिक होता है ओजी के पॉडकास्ट का। एंड आपको पता होगा वो ही ओजी के पॉडकास्ट के होस्ट थे। एंड यहाँ पर वो उस पॉडकास्ट के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं। एंड जिस भी टीम के ऑर्ग ओनर्स इन्वॉल्व थे, उस ऑर्ग को लेकर के पॉडकास्ट वर्ड काफी ज्यादा चैट सेक्शन में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर मेजी इसी चीज के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं, जहां पर उनका पर्सनल ओपिनियन क्या रहता है वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। पॉडकास्ट उनके लिए यूज कर रहे हैं जो वहां पर बैठे थे, मतलब अगर अब ओजी खराब खेलेगी तो वहां पे भी पॉडकास्ट स्पैम करते लोग, रेवरेंट खराब खेली तो पॉडकास्ट स्पैम करते लोग, जी खराब खेली तो पॉडकास्ट स्पैम करेंगे। सोल वाले तो खैर खराब ही नहीं खेलते तो उनका कट कर देते हैं। और कौन था, एक दो तीन चार, हाँ चौथा तो है नहीं, तो ये चार हैं। ये तीन के लिए पॉडकास्ट स्पैम करेंगे ऐसा। पर ओजी भी अच्छा खेल गई, रेवरेंट भी अच्छा खेली, जी भी अच्छा खेली, फिर क्यों पॉडकास्ट स्पैम करना है भाई। अच्छा तो तीनों ने ही खेला है ना। बट तुम लोग यार पॉडकास्ट वगैरह को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले लेते हो, मुझे मतलब समझ नहीं आता, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम लोग पॉडकास्ट वगैरह को इतना सीरियस क्यों लेते हो। पॉडकास्ट वगैरह किए जाते हैं कि ताकि अपने ओपिनियन आप ऑडियंस के सामने रख पाओ, और ऑडियंस अगर उससे कुछ सीखना चाहती है तो वो सीख सकती है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं सीखना है तो मत सीखो वैसा। तो पॉडकास्ट वगैरह को इतना सीरियस लेके तुम लोग मतलब क्यों करते हो, क्यों? वो तो एंटरटेनमेंट वाली चीज है ना। देखो पॉडकास्ट लोग क्यों करते हैं, ताकि लोग एंटरटेन हो पाए, खाना खाते हुए उसको देख पाए और थोड़ा सा मसाला मिले उसमें। क्योंकि तुम ये सोचो ना कि जो नॉलेज वाली चीजें होती हैं उस पर व्यूज एंड बाकी सारी चीजें बड़ी कम होती है, पर जहाँ बकचोदी वाली चीजें आती है ना वहाँ अपने आप व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अब जैसे अभी हम बकचोदी कर रहे थे, हमारी व्यूअरशिप बढ़ गई, हम एनालिसिस करते हैं, हमारी व्यूअरशिप 300-400 आती है, तो लोगों को मसाला चाहिए। तो अगर लोग मसाले के लिए पॉडकास्ट एंड बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तुम भी देख रहे हो, मजे मारो ना, चिल करो यार। ओजी के पॉडकास्ट में मुझे सच्ची में बताऊं तो ऐसा कुछ था नहीं यार, सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसा ओजी के पॉडकास्ट में कुछ था नहीं। इससे ज्यादा मसाला तो हम कास्टर्स मिलके दे सकते थे, फिर तो चीजें थोड़ी खराब ही हो जाती, मतलब वो तो स्क्रिप्टेड टाइप का पॉडकास्ट था कि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों में आपको बात करनी है। अगर उसमें अपना सच में पर्सनल ओपिनियन, जो एक रियल पॉडकास्ट होता है जहाँ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन रखते हो ये सोचे बिना कि सामने वाले को बुरा लगेगा या खराब लगेगा, भाई वो पॉडकास्ट में अगर और गोनर ने सच में कुछ बोला होता तो मेरे को समझ में भी आता। वो तो नॉर्मल चीज़ है यार, उसमें इतना ज़्यादा दिल पे और इतना सारा चीज़ों लेने की क्या ज़रूरत है। बहुत लाइट हार्टेड लोग हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल नाजुक है, उसे मजबूत बनाओ, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब तुम्हारे जीवन की लंका लगेगी ना तो इतने सॉफ्ट हार्ट होकर तुम जीवन नहीं चला पाओगे, उसको हार्ड करो ताकि आने वाले चैलेंजेस से तुम लड़ पाओ, समझेगा भाई। लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर रियल थॉट्स बोल दिए तो, ठीक है ना। मतलब नहीं, बस तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने पर्सनल जीवन में अगर सच में आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों को ऐसे डट के खड़े होके फेस करना है ना, तो थोड़ा सा मजबूत बनाओ खुद को वैसा। वेल, आप मेजी की इस बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, एंड डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वही मेजी यहाँ पर BGS के टॉप 3 प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर पहले भी उन्होंने एंटिटी का नाम लिया था, वापस से वो एंटिटी का नाम लेते हुए नजर आते हैं। बाकी की 2 प्रेडिक्शन ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। BGS टॉप 3 प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से, देखो मैंने एंटिटी को तो बोला ही है कि वो जीत रहे, कितनी बार प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं। देन हमारे पास सोल है, तीसरी टीम। मैं मानता हूं कि शायद ब्लाइंड, ये 3 टीम हो सकती है। बाकी वही वीडियो में आगे बढ़े तो हम बात करने वाले हैं सिड के बारे में। सो बेसिकली सिड यहाँ पर वॉचिंग वाले RR के ऊपर बात करते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे काफी सारे जने आपने नोटिस करे होंगे जो कि वॉचिंग का RR करते हुए देखने को मिलता है हमें कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट के अंदर। एंड सिड का जो रिस्पॉन्स रहता है वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। नो ये नो वॉचिंग, अरे तुम लोग को पता है वॉचिंग के बारे में आपको बताओ। ये ना सिलसिला बहुत दिन से हम देख चैट में आप लोग बहुत वॉचिंग की बातें करते हो। जो मल्टीपल 2-3 नॉकआउट्स निकलने का सिलसिला चल रहा है, क्या इलाज याद रखना आप चैट में बैठ गए।
घर पे बैठ के आप वॉच कर किया आपने वॉच किया कैसे पीएम के साथ हमारे लोग बैठे थे वॉचिंग का सीन ऐसा है कि अभी हमारे फैंस को ना नहीं देखते मतलब वो लोग आजकल वो लोग बोलते हैं कि क्या पॉइंट है चार गेम में 200 पॉइंट वैसे भी बनाने वाले तो लोग देखते नहीं वो लोग डायरेक्ट रात को वो लोग अपना काम और वो लोग अपने गोल्स पे फोकस्ड है क्योंकि उनको पता है कि सोल तो अच्छा ही खेलने वाली है रात को डायरेक्ट वो लोग पॉइंट टेबल देखते हैं किधर आना नहीं पड़ता इसके लिए वो वॉचिंग थोड़ी आजकल समझ रहे हो कम आती है क्योंकि भरोसा है हमारे फैंस को हमारे ऊपर और मोस्टली हमारे फैंस थोड़े ये भी है मतलब स्कूल वूल जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं ऑफिस वगैरह भी जाते हैं तो and it is good ki right now if they are focusing on their goals rather than watching us play because honestly like we are doing fucking well so it is okay you focus on your goals focus on your school colleges university work make money attain your goals and semis or finals tak to tum log dekhne aa hi jaoge mere ko pata hai jab stadium event hoga tum log dekhne aa hi jaoge mere ko wo bhi pata hai वहीं ये वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के बारे में। वेल ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप यानी कि ईडब्ल्यूसी उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस पूल अनाउंस करा है जो कि है 60 मिलियन डॉलर्स का यानी 500 प्लस करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू INR। उनका जो इवेंट है रियाद सऊदी अरब में जो होने वाला है एंड ये कंबाइंड प्राइस पूल है 19 टाइटल्स का जिसमें पॉपुलर गेम्स जैसे कि पबजी वाइल्ड डोटा 2 फोर्टनाइट लीग ऑफ लेजेंड्स एपेक्स लेजेंड Honor of Kings और Tekken 8 जैसे गेम हमें देखने को मिल जाएंगे एंड बेसिकली ये एक लाइफ चेंजिंग प्राइज मनी है। बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले स्टार स्पोर्ट्स के बारे में। सो SETL की तरफ से एक रिसेंटली बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिली थी कि वो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। अब यार इससे पहले हेटर्स ये चीज डाइजेस्ट कर पाते एक और अचीवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 8-bit Thug और Regal Toss उनको इनवाइट किया गया था स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा एज अ गेस्ट एंड ड्यूरिंग टाटा IPL 2024 हम उनको देख पा रहे हैं जहां पर ये दोनों क्रिएटर्स एज अ गेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं वो भी स्टार स्पोर्ट्स पर। सो वेल अब दो अचीवमेंट हो गई हैं जो कि हेटर्स को डाइजेस्ट करनी है। वैसे चलो अब थोड़ा सा एक स्वीडिश भी एड ऑन कर ही देते हैं एंड SETL का बहुत एक कैजुअल सा तरीका हमें देखने को मिला था SETL कैप्स को प्रमोट करने का जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। वेल चलो हेटर्स को ये सब डाइजेस्ट करने देते हैं बट क्या आप सब ये एक फैक्ट को डाइजेस्ट कर पाओगे? वेल दिस इज नॉट रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग बट मैं बात करने वाला हूं अबू धाबी के बारे में एंड अबू धाबी स्पेंड्स 280 मिलियन डॉलर टू बिल्ड अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ईस्पोर्ट्स आइलैंड विथ पबजी इंस्पायर्ड एमिनिटीज एंड ऑन स्क्रीन आप वो देख भी पा रहे होगे मतलब दुनिया का सबसे पहला ईस्पोर्ट्स आइलैंड बन चुका है। वेल ईस्पोर्ट्स एंड गेमिंग इज बूस्टिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड सेम यार होप है इंडिया के अंदर भी बस ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करे। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेमलेस क्रू ईस्पोर्ट्स और मिस्टर स्पाइक के बारे में। सो बेसिकली मिस्टर स्पाइक के बारे में तो आपको पता ही होगा लाइक वो काफी सारे बीच में टीम्स के बारे में बात करते हैं काफी सारे उन चीटर्स के बारे में भी बात करते हैं। सो इसी दौरान यहाँ पर वो नेमलेस क्रू ईस्पोर्ट्स के बारे में भी बात करते हैं जहां पर स्पाइक बात करते हुए नजर आ जाते हैं नेमलेस क्रू ईस्पोर्ट्स के नाम के ऊपर और उनके प्लेयर्स के ऊपर एंड बेसिकली यहाँ पर वो थोड़ा सा फन करते हैं नेमलेस क्रू ईस्पोर्ट्स के नाम के ऊपर मतलब ये कैसा नाम हुआ नेमलेस। देन यहाँ पर नेमलेस क्रू ईस्पोर्ट्स इस चीज पर रिप्लाई करती है वी रिसेंटली विटनेस्ड अ वेल नोन कमेंटेटर नेम्ड स्पाइक poking fun at my team's name and players. It's important to understand that when someone with a big audience make comments, they can have a significant impact. सामने वाला ये नहीं सोचता है कि यार उसके words किस way में affect कर सकते हैं उनके team के नाम के ऊपर। यार वो जो भी joke कर रहे थे वो सच में उनके sentiments को hurt किया and वो यहाँ पर reason बताते हैं अपने इस नाम का। उन्होंने यार ये name इस वजह से चुना ताकि ये चीज highlight कर सके उन underdogs के struggle के बारे में जो यार बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपना नाम बनाने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर एंड अनलेस देन वी फील लाइक वी हैव जस्ट नेमलेस। एंड वो यहाँ पर स्पाइक को बोलते हैं कि यार स्पाइक भले ही कॉम्पिटिटिव का कभी भी पार्ट नहीं रहा होगा बट दे बिलीव इट्स क्रूशियल टू शो एप्रिसिएशन फॉर दोज हु यू आर वॉचिंग। वहीं स्प्रे गॉड एंड ये दूसरे स्प्रे गॉड है ये नेमलेस क्रू ईस्पोर्ट्स के स्प्रे गॉड है वो यहाँ पर बोलते हैं भाई बैठे बैठे ज्ञान देना और मजाक बनाना बहुत ईजी लगता है कभी खुद आके खेल के देखो फिर पता चलेगा अप्रिशिएट नहीं करना आता तो मत करो एटलीस्ट एक तमीज से रहो यही बोलूंगा। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं भी चलता हूं मैं तो हम अगली वीडियो में साइनिंग ऑफ।